जय माता दी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी पूर्णिमा की तिथि को देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। एक मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और धन सुख संपदा और वैभव की देवी लक्ष्मी माँ अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी की जाती है और आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके शरद पूर्णिमा की इस व्रत कथा को सुनता है उन्हें भी व्रत करने जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके घर में सदा सुख संपत्ति और धन में बरकत होती रहे, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा के दिन व्रत किया करती थी। साहूकार की दोनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और सभी नियमों का पालन करते हुए करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों की अनदेखी करती थी। वो किसी भी नियम पर विश्वास नहीं करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर पर समय रहते एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। दो तीन बार ऐसा ही हुआ कि उसकी संतान होती और पैदा होने के बाद तुरंत ही मर जाती थी। इस प्रकार जब लगातार ऐसा ही होता रहा तब उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा उनसे कही और उनसे कोई उपाय भी पूछा। छोटी बेटी के बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण देवता ने उसकी सारी बात सुनकर उसे कुछ प्रश्न पूछने के बाद उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती आई हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत पूरी तरह फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लगता है। आज तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं, ये यही अधूरे व्रत का दोष है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का संकल्प लिया। आश्विन का महीना चल रहा था और शरद पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसके बेटे की पहले की तरह ही मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया। उसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता ना चल पाए। ऐसा करने के बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह मृत बच्चा तुरंत जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर गुस्सा करते हुए उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर अपने बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन ये बच्चा मरा हुआ ही था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण मेरा बच्चा फिर से जीवित हो गया है। बहन पूर्णिमा के दिन तुम जो व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह हर पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि ने साहूकार की छोटी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे संतान सुख और सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने के बाद भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि को खीर का भोग लगाना चाहिए और इस खीर को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग शरद पूर्णिमा के दिन उपवास ना कर पाए उन्हें आज के दिन संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करने के साथ ही या फिर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूर्णिमा के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक भोजन या घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए।
संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों को आज के दिन चंद्र देवता की एक साथ पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद खीर का भोग चंद्र देवता को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।